अजमेर के आदर्श नगर थाने में फाइनेंस कंपनी ने 3,50,000 की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाने के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र ने बताया कि अजमेर न्यायालय के जरिए खासा कोठी जयपुर स्थित एसके फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि सरवन कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। पालरा के रहने वाले बलबीर सिंह काया और गजराज ने व्यावसायिक कार्य हेतु 3,50,000 का लोन लिया था। इन सभी ने न तो व्यावसायिक कार्य शुरू किया और न ही लोन की किस्तें अब तक चुकाई है। इस संबंध में फाइनेंस कंपनी की शिकायत को दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। दिनांक 25/5/2022 को न्यायालय श्रीमान JM4 अजमेर द्वारा परिवादी श्री श्रवण कुमार, जो कि एसके फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है, ने परिवाद न्यायालय पेश किया, जो कि परिवादी अपराधी बलबीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, श्रीमती कोया पत्नी सुखदेव सिंह व गजराज सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, जो कि ग्राम पालरा के निवासी हैं, जिन्होंने व्यवसाय हेतु उक्त कंपनी से ₹3,50,000 का ऋण लिया था, परंतु ऋण स्वीकृति के पश्चात उक्त अपराधीगणों ने ना तो व्यवसाय खोला, ना ही समय पर किस्त की अदायगी की गई, जिस कारण जानबूझकर अपराधीगणों ने कंपनी के साथ में झूठा झांसा देकर लोन के 3,50,000 रुपये हड़प कर लिए हैं। इस पर थाना अजापुर प्रकरण संख्या 246/12, 420, 403, 406, 120 दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान श्रीमान SHO साहब सुगम सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान में जो सत्यता होगी वो सामने आएगी। कौन सी कंपनी? SK फाइनेंस कंपनी, जिसका पूर्व में नाम SK फिनकोर रजिस्टर्ड कंपनी है, न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की पालरा के अपराधीगण पालरा के हैं, जिन्होंने अपना व्यवसाय पालरा में स्थित होना बताया था।